पैन को लोड करने के लिए रोटेट करके पैन का ढक्कन निकाल दीजिए। जो लेंस सेट आपके पास है उसका कैप भी रोटेट करने से टूट जाएगा। फिर उसको ये जो है कंटेनर उसमें से फिक्स करके कैप को वापस रोल बैक करके फिट करना है, और ये उसकी जो पिस्टल जैसी है टेल वो पीछे खींचने से वो लोड हो जाएगी और जो बटन है वो ऊपर आ जाएगा। जब बटन उपसा हुआ होता है उसका मतलब है कि नीडल रेडी है। उसके बाद पेशेंट की फर्स्ट और सेकेंड फिंगर आपको प्रिक करनी है, लास्ट की दो स्मॉल फिंगर्स प्रिक नहीं करनी है। तो जो भी फिंगर प्रिक कर रहे हैं उसको मसाज कीजिए, ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए टिप की तरफ मसाज कीजिए, उससे ब्लड टिप की तरफ आता है। मशीन के अंदर स्ट्रिप डालोगे तो मशीन चालू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये ब्लड ड्रॉप का जो सिंबल है वो वहाँ पे फ्लैश होने लगेगा, तब आपको प्रिक करना है। नीडल की डेप्थ मैंने 4 सेट की है बिकॉज मुझे नेचुरल फ्लो चाहिए ब्लड का। जब ब्लड का बबल ऐसे बन जाए स्मॉल ड्रॉप, तो स्ट्रिप को उसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री से रखें, तो कैपिलरी एक्शन से अपने आप ही ब्लड पूरा ऊपर तक सक हो जाएगा और ऐसे काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। फिर आप उसे पकड़ के रखिए और जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, जैसे कि 260 है ब्लड रैंडम शुगर पेशेंट का, जो कि RBS हाई है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू डिलीवर इंसुलिन।